संग्राम। आदरणीय वंदनीय भोजपुरिया समाज के मालिनी अवस्थी के सादर नमन हम करत हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करत हैं और घर में सभी आदरणीय जनन के अपने दादी याजी काकई सभी लोगन के बहुत बहुत अभिनंदन। मालिनी अवस्थी आपके गोड़ लगे, आपके प्रणाम करत हैं और आप सब लोगन देख रहल बानी सुर संग्राम दीवाना बना दे। आप सब लोगन के बहुत विस्मय हो रहल बा कि मनोज तिवारी की जगह मालिनी अवस्थी के माइक पकड़ा देलस। तो धीरज धरा हम बताइब कि आज के जौन एपिसोड बा वो बड़का खास एपिसोड बा। एपिसोड में आज बचे 8 प्रतिभागी अपन सुर के परीक्षा तो दी ही, लेकिन गनवा होई खाली भोजपुरी संगीत के 2 प्रसिद्ध गायक कलाकारन के, कल्पना और मनोज तिवारी मृदुल के। यह कह सकते हैं कि आज के सुर संग्राम के जो खास एपिसोड बा वो तो ठीक बा। अरे बच्ची ई तो बतावा आप मनोज कहवा बाड़े हो? बाबा ई रहलन तोहार मनोज तिवारी। आवा आवा मनोज जी, हमरा के याद करत भाई के हमरा क्या करत भौजी को लगत है जी बड़ा जिया 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 देखा अब पैर छू हमार याद करत रह पैर छू हमार बंद कर दे। काहे से के जोन काका हुआ के ठाड़े बानी वो आज हमका बच्ची कह लेने तब तू हमका पैर ना चमतो है से छोटे हो गए ले आवाज ई काका हो कि बच्चा हो जी प्रणाम नमस्ते जी। अच्छा भइल रहो हमरा के याद कलेनी जी। जरूर याद करी आपके हम बहुत धन्यवाद देते हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करे के मालिनी जी के। कि तो लोग तैयार बड़ा जा आलोक मोहन आलोक ठीक हो। आज के एपिसोड में लड़की लोग कल्पना जी के गीत गाई, लड़का लोग हमार गीत गाई। अब हम चाहतनी कि मालिनी जी ही अपने दूसरे जज के भी जोरदार तरीके से हम चाहतनी का शब्द बता के अरुआ कल्पना के बुलावल चाहतनी। प्लीज एक बेरी अपने शब्दन से सुर कोकिला कल्पना जोरदार ताली बजा के स्वागत कर जा अपने कल्पना जी के। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी को, धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हमरा के तो जरूर धन्यवाद दे कर। और आज हमनी के दूसरी कुर्सी के जे मालकिन बाड़ी जिनकर नंबर और उनकर पार्टनर, नंबर और पार्टनर दोनों के नाम ऐसे लेता नहीं कि जितना आपके नंबर के महत्व बा उतने आपके पार्टनर के महत्व बा। कहे कि मालिनी जी और कल्पना जनियन जब विद्वान जज मिलल बड़ी हमनी के तो हमनी के कार्यक्रम कमल नियन खिल रहल बा, हमनी के कार्यक्रम सुगंध के तरफ फैल रहल बटे। और आज एक और कुर्सी लगावल जला। हम चाहब कि आज वो तीसरे कुर्सी पे बैठे वाले हमनी के अतिथि जज के आप लोगन के बीच बुलावे के काम जैसे मालिनी जी के लिए कल्पना जी के बुलावे खातिर वैसे कल्पना जी करब उनके बुलावे खातिर। हम लोगों ने काफ़ी सारे गीत गाए उनके और बहुत ही गर्व के साथ मैं कह रही हूँ, खासकर भोजपुरी फिल्म का जो ये दौड़ नया दौड़ शुरू हुआ उसमें एकमात्र गोल्डन जुबली फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला जिसमें मनोज जी हीरो थे, सुपरस्टार बन गए वहाँ से, उससे पहले सिंगर थे सिर्फ, उसी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए लाल सिन्हा जी। अच्छा लाल सिन्हा के जोरदार ताली स्वागत करेंगे। लाल भाई आज रुआ के हम नहीं, आज आपके कल्पना जी बुलौनी है और ये जोरदार ताली बजा रहल बता रहल बा कि ई वही लाल सिन्हा जी बाड़े जिनकर गाना सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाए के, बैक मारे ले फ्रंट मारे ले करेंट मारे ले लेकी बिया। हम चाहब कि लाल सिन्हा जी हमनी के सुर संग्राम के पार्टिसिपेंट लोगन खातिन और हमनी के दर्शक लोग खातिन कुछ कहीं। सबसे पहले सब लोगन के लाल सिन्हा के प्रणाम और ये शो बहुत अच्छा चल रहा बा महुआ चैनल पे और सारे पार्टिसिपेंट्स लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें से कुछ तो जैसा मुझे लगता है निश्चित तौर पे प्लेबैक सिंगर बनेंगे। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया ये खातिर हम सबके आभार व्यक्त करते हैं। तो
बार जोरदार ताली से स्वागत करके अपने तीनों जज लोगन के, कल्पना जी, मालनी जी और हमने के अतिथि जज आदरणीय लाल सिन्हा जी। आज ये तीनों विद्वान जज लोगन के आगे हम मनोज तिवारी अपने भोजपुरी संगीत के महासंग्राम सुर संग्राम के शुरुआत कर रहल बनी और बुला रहल बनी आपके सामने ओकरा के सुर के डंका कहल जात बा ऊ बिया लड़की गोपालगंज के प्रियंका। जोरदार ताली से स्वागत करके प्रियंका के स्टेज पर। आज जो आप नंबर देव वही बतावल जाए, कल्पना जी मालनी जी के नंबर गुप्त रखाला। आज आप जवन नंबर देव ओकरा में जेकर सबसे कम तीन लोगन के नंबर रही उ भंवर में फंस जाए। भंवर मतलब डेंजर जोन। वो डेंजर जोन में जाए खातिर ओके भंवर नाम दिले बनी जा और आपके ही नंबर से फंसी। बाकी ये आठ लोगन में अब उ लोग रह गिल बैठे जे कबो कबो 40 में 40 भी पौले बा और 40 में 25 भी पौले बा। तो इतनी जानकारी के संगे आपके समक्ष प्रियंका प्रस्तुत बाड़ी, इनकर गीत और आपके मार्क्स मिलके आज के घमासान के आगे बढ़ाई। प्रियंका शुरू हो। गावल गीत लाल जी बहुत बढ़िया लगल प्रियंका के गीत। और मनोज जी इनका के हमरा तरफ से नंबर है कुल 36 अंक। 36 बहुत डरा के कल्पना जी गाना रहल सोचत नहीं पता ना गा पाएम कि ना यहाँ के तरह न्याय कर सकेम कि ना पता। प्रियंका
तोहरा गाना सुन के हमरा दिल के हर भाव कहता, बुझाता ऐसन कि तोहरे गला से सुर के दरिया बहता। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने गाया है तो इस पे कल्पना दिखे, ऐसी एकदम ज़रूरी नहीं है। इस पे प्रियंका दिखनी चाहिए और प्रियंका मुझे दिखी। बाकी मालिनी जी कुछ कहना चाहत? भाव बहुत सुंदर था, बहुत ही मन से गाया प्रियंका ने, लेकिन बहुत जगह पे सुर गया, कम से कम 6-7 जगह पे, लैंडिंग नोट से लेकर के कई जगह पे सुर की। हो सकता है उसका कारण एक घबराहट रही हो, जो कि इन्होंने बताया कि सामने बैठे थे तो इसलिए गाने में, लेकिन आपकी टोनल क्वालिटी इतनी अच्छी है, प्लेबैक के लिए बिल्कुल बनी हुई आपकी आवाज़ है। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, लेकिन सुर संग्राम है, इसलिए सुर पर ज़रूर ध्यान दें। सुर के थोड़ा और संभाल के भी 36 नंबर और 36 नंबर लेके जाके अपने बिहार के टीम में शामिल हो जा। जोरदार ताली बजा के प्रियंका के स्वागत करेंगे। और सुर संग्राम में जहां लड़की लोग कल्पना जी के गीत गई हैं, लड़का लोगन के मनोज तिवारी के गीत गावल बाध्यता बाटे। सुर संग दीवाना बनावे खातिर तैयार बने अब हमारे उत्तर प्रदेश के योद्धा। लेकिन एकरा से पहले कि हम अपने उत्तर प्रदेश के योद्धा बाबा विश्वनाथ के नगरी आलोक पांडे के तरफ चली, एगो चिट्ठी आयल बा छपरा से। छपरा के मंजूर भाई पूछले बड़े कि हमरा बड़े दिल के बाद पता चलल कि कल्पना जी आसाम के रह वाली हैं, और आसाम के हो के वहाँ के भोजपुरी संगीत में इतना छा गईली तो हमनी के यह टॉपिक पे कल्पना जी से कुछ सुनल चाहतनी जा, कुछ पूछल चाहतनी जा कि ई प्रेम कैसे, यात्रा कैसे रउआ मंजूर भाई के संबोधित कर सकेला। मनोज जी, मैं करीब 22-23 भाषाओं में अलग अलग फिल्म के सॉन्ग्स में गाती हूँ, लेकिन जो एक क्या बोलूँ मैं इसे, जो एक नशा है भोजपुरी मेरे लिए, और जैसे धीरे 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 मैं अंदर चली गई पिछले 8 साल से, और जितने मैं आगे जा रही हूँ उतना ही मुझे जो कल्चर है, जैसे मुझे पता नहीं था पहले कि देवी गीत क्या होता है, विश्वास कीजिए मैं आसाम की हूँ, लेकिन मुझे कामाख्या माँ की जो महिमा है उसके बारे में इतना इम्पोर्टेंस मालूम नहीं था पहले, लेकिन जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई, देवी गीत गाई, कांवर भजन गाए, उसके बाद कामाख्या माँ की भी महिमा जो कितना इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर लोग इतने धार्मिक है, और क्या बोलूँ, घर घर में मैं गई गाँव के, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ। हम बुला रहल बानी बाबा विश्वनाथ के गो सेवक आलोक पांडे गोपाल के, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आलोक जी, गीत गई हैं हमनी के गावल, कौन गीत हो? जब से चढ़ल बा जवानी मोछ मुंडा खोजे। मोछ मुंडा एगो कल्चर हो गेल कि बिना मोछ के रहे के चाहिए, तो कभी कभी गांव में लड़का एकर मजा ले लसन और वो मजा इनके गीत में लौट। शराबी चलेली ओढ़नी बांध के, हर नया नया बा अभिन जवानी बाड़ी न के करो मान के, अरे ऐठ के बोली बोलते बाड़े केहू के झरिया दिली, हर इज्जत तो माटी मिलते बारे जोर न इनका शान के। अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा खोजेली, घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा खोजेली।
दुनिया अनुचित है हम नगीना कहीं लहरावे खातिर झंडा खोजली और कहीं लहरावे खातिर झंडा खोजली जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजली जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजली घूमे खातिर गाड़ी हीरो हुंडा खोजली अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो हुंडा खोजली जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजली जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजली और जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोज जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजली जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आलोक पांडे जी के आलोक पांडे जी के खातिर कल्पना जी के कलम धड़ाधड़ धड़ाधड़ चल रहा बाटे मालिनी जी एकदम खुश बाड़ी बहुत प्रसन्न बाड़ी वहाँ के और जज लोग खुश लगा ताटे और लाल सिन्हा जी बहुत सीरियस बाड़े लेकिन उनका टका टक टका टक एकदम कलम चल रहा बाटे आलोक जी गाना तो बहुत अच्छा रहे लेकिन एकरा में कई जगह सुर के थोड़ा चूक हो गई और बाकी फिर ताल में भी कुछ प्रॉब्लम रहे और ऐसे ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा लागल चूँकि मनोज जी के बहुत सुपर हिट गाना है इसलिए सुने में तो बहुत अच्छा लगल रहे तो हम इंजॉय करत रहली इसलिए आपके कुल मार्क देनी है 31 31 आखिर में गाने के अंत में क्या हो गया था गाना भूल गए थे या सांस की कुछ दिक्कत हुई थी बीच में एक शब्द खा गए जुकाम हो गया है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है गाने के बीच में जुकाम हो गया नहीं मतलब ऑलरेडी जब गा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में उसमें सांस में शब्द चला गया कोई बात नहीं ठीक ठाक रहे बहुत बढ़िया नहीं लेकिन ठीक ठाक रहे कल्पना जी कुछ कहब आप आलोक जी खातिर सब कुछ आप लोगों ने बोल ही दिया है मुझे ताल में बस टेम्पो में बीच में कुछ प्रॉब्लम लगा जो आप मैनेज नहीं कर पाए करने की कोशिश तो आपने किया लेकिन सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए आलोक जी के 31 नंबर और 31 नंबर बहुत अच्छा नहीं कहल जाए फिर भी आप आशा रखें और अपनी सीट पर बैठ जाएं जोरदार ताली बजाइए आलोक पांडे जी का अब हम बुला रहल बानी अपने रांची के जोरदार ताली से स्वागत करे के बिरसा भगवान के धरती से रीमा वर्मा जी के जब पिछले एपिसोड में रीमा के सफर लगत रहे कि रुक जाई इस चक्रव्यूह में चल गई रहली और आज रीमा जीत के भी आईली और रीमा के तो बहुत नाम बाटे आज ऐसन सुर के जलवा दिखावा कि सुर संग्राम में सिर्फ बिहारे के झंडा लहरावा तेल वाकर रहिया जोरे राजा हूँ, तिसिया का तेल वाकर
और अब यही रह के हमनी के लाल सिन्हा जी से पूछे के कि आप रीमा के कितना नंबर देता नहीं। रीमा के गाना सुन के ऐसा लागल कि दू गो कल्पना यही जा दिया। तो इसे ज्यादा कहे के कुछ जरूरत नहीं के, तो हमार तरफ से रीमा के 37 मार्क। 37। हम एगो बात कहे के चाहता नहीं। कहा। हम जब 12 साल के हैं रानी, तब से हम कल्पना जी के हर एक कैसेट खरीदा तानी और सुना तानी, और मैं इनकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, और मैं इन्हीं को मिलने के चलते बहुत मैंने कोशिश की थी, और आज ये मैं इनके साथ यहाँ डांस कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं रीमा, तुम क्या कह रही हो। इनफैक्ट रीमा के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी, तुम अपने जीवन में तुमने सब कुछ पाया है, तुम एक पूर्ण नारी हो, तुम पत्नी हो किसी की, तुम माँ बन गई हो, और उसके बावजूद तुम यहाँ पे आके ये सब कितना अच्छा से फ्री होके तुम गा रही हो। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और बहुत बहुत प्यार। बस मुझे दीदी का आशीर्वाद इसी तरह मिलता है। अच्छा होगा। मालिनी जी का कहीं, मनोज जी इनके गनवा सुन के तो बस हमारे विचार यही एक भाव हमारे मन में उठेला कि आवाज़ उठ रहल बा धरती आसमान से, आवाज़ उठ रहल बा धरती आसमान से, असुर मिलल बा तोके कोयली के तान से। बहुत बहुत धन्यवाद बामा। जोरदार ताली से स्वागत करें। और कल्पना जी बहुत ये दिल का बात बाटे, और रुआ आप भी चल के अपने सीट पे बैठ जाए। मचल बाटे भोजपुरी संगीत के महासंग्राम, हो रहल बाटे सुर और ताल के घमासान, एकरा में बड़े बड़े लोगन के लगल बाटे अरमान, हम एकरा के जिंदा रखब। आप लोग वही भाव से, वही तन्मयता से, वही तैयारी से कार्यक्रम देखत रही जा, हम तुरंत हाजिर होत बानी लेके सुर संग्राम। दीवाना बना दे, और ए दीवाना बनाए वाले सुर संग्राम के महफिल में हम बुला रहल बानी अपने गाजीपुर के मोहन राठौर। मोहन भाई जी। भैया तोहर कपड़वा छोट होखल जाता हो, आज तो कौन गाना गावत बड़ा। सबसे पहले हम रहुआ के प्रणाम करता नहीं, याद आई हमरा उ बात के जोन कल्पना दीदी हमरा के पदवी देले रही लिट्टी चोखा के, कुछ दिन से सुने के ना मिलल हमरा के, ऐसे आपके गाना याद आ गई है, तो हम कहनी दीदी के जरूर सुनाई और आपके संगे लेके सुनाई। हमू रही। हाँ आप रही तब भी हम। अच्छा लिट्टी चोखा का होता है, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जी। अब बताए ना, उनका म्यूजिक डायरेक्टर भी है हम लाल सिन्हा जी, दरोगा बाबू आई लव यू फिल्म। आपके भाव लेके अपना अंदाज से जो गायब तुम बढ़िया से गायब, आपके गाना के लाज बचाई। अरे लिट्टी बाटी के पार्टी में, अरे झूठल समाज, अरे पिज्जा बर्गर के बाबू हमें, अरे लिट्टी महाराज। का हो मनोज भैया? जिया जिया जिया। अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाय के झंडा आई गैल हो जहाँ गैल संसार में, गाड़ी के झंडा आई गैल हो जहाँ गैल संसार में। इहे खाए दादा पर दादा माटी के शान बढ़ावले हो, सूरी नाम मोरी तसले झंडा भोजपुरिया लहरावले हो। का हो भैया? बिल्कुल सही। अरे इहे खाए दादा पर दादा माटी के शान बढ़ावले हो, सूरी नाम मोरी तसले झंडा भोजपुरिया लहरावले हो। अब्दुल हमीद या बहनों
ऐसा ऐसा सुर के वीर रही हैं तो झंडा गढ़िया हमने के सीधे चलते हैं कल्पना जी के पास। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहले से माइक लेके बैठी हुई हूँ। पहले तो ये बोलना है कि केहू गावेला केहू गाके नचावेला, केहू गावेला केहू गाके नचावेला, ए बाबू सच कहता नहीं तोहरा तो दोनों कलावेला। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। और आपका जो शिकायत है कि मैंने आपको कुछ हफ्तों से लिट्टी चोखा नहीं बोला है, देखो मैं आज लेके आई हूँ, खिलाऊंगी। हाय हाय हाय, अरे बड़ी स्वाद बाटे का हो। गाड़ी के झंडा आई गईल हो जहां गईल संसार में। लिट्टी कैसन बाटे लाल भाई? मनोज भैया, आपके बाद इस गाने को अगर कोई गा सकता है तो मोहन है, इससे ज्यादा हम का कहें। और मोहन तो वाकई में झंडा तो गाड़ देला सुर संग्राम में। और मोहन के जो स्केल बा उस वो एबनॉर्मल स्केल बा एकदम, मतलब हम ट्राई कराते रहनी कई बार गा के, वो एकदम मतलब असहज स्केल बा। उस स्केल में वो जाके इतना गठीला आवाज में मोहन परफॉर्मेंस दिला, वो अपने आप में एक आश्चर्य के बाद। हमारा तरफ से मोहन के कुल 40 अंक। गढ़ के झंडा छाई गईल हो जहां गईल संसार में। हाय हाय हाय, अरे बाप रे बाप, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। मोहन आपके अपने सीट पर और मोहन जी के अपने सीट पर बैठा के बड़ी खुश हो खबर। और अब हम बुलावे जा रहल बनी बिहार के फौज के, ओह फौजी के, जे पिछला बेर जब वो चक्रव्यूह में रहली अचानक रीमा से बहुत ज्यादा नंबर ऊपर पागल होकर सुर में पता नहीं का रहे। आज उस ज्योति एक बार फिर से उनके लाल सिन्हा जी के समक्ष, अपने जज के समक्ष बुला रहल बानी। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे रांची के ज्योति के। मनोज जी, ज्योति के गाना सुने के तो खातिर हम सभी लोगन बहुत उत्सुक बानी जी। हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को जानने का मन होगा, कुछ अपने बारे में बताइए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जो कल के भविष्य के मनोज तिवारी बनना चाहते हैं या कुछ लोक संगीत में नाम कमाना चाहते हैं, प्रसिद्धि के इतने शिखर पर पहुँच कर के भी आदमी कितना विनम्र बना रह सकता है। मनोज, मुझे लगता है आपसे सबसे ज़्यादा यदि प्रतिभागी ये चीज़ सीख सके तो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कम से कम कॉन्टेस्टेंट्स खड़े होकर के आप लोग, बिल्कुल हम लोग खड़े होकर के आपका इस बात के लिए स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये बात सच है। जो लोग कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आप भोजपुरिया माटी के ऐसे लाल हैं, भविष्य लिखा जाएगा जब भोजपुरी संगीत का आपका नाम बहुत बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नहीं, आप लोग के बड़प्पन बैठे। वैसे हमारा एक चीज़ जरूर जीवन में लगल बैठे, हम जीवन में काफ़ी, आप लोग बैठ जाइए प्लीज़ बैठ जाइए। ये तो सही बैठे कि सम्मान एक ऐसा चीज़ है ना जो हमेशा देहला से वापस आवेला। आप जेकरा के जितना सम्मान देव तो वैसे ही आपके मिली, और एक जीवन में हम महसूस केले बानी। और हम भी बहुत संघर्ष केले बानी। हमारा जीवन में सबसे अच्छी एगो याद बाटे ज्योति, कि हम जब 4 साल हम टी सीरीज के दरवाजा पे गईल बानी, और 4 साल में कम से कम 60 बार हम ओजिंगा से रो के आयल हो खब, हमारे अंदर इतना एक रहे कि हमार कैसे निकल जाए कभी। उस समय जब याद करी ना हम तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाए ना,
कहें कि हम सोच भी नहीं कर जीवन में कि हम भोजपुरी से इतना दुनिया में लोकप्रिय हो जाए जी हमने के जैसे वहाँ के कहने वैसे ही रहे। आज आप लोग के सामने बाकी तो जीवन बटे चला तनी जा, कहीं कुछ मिली कहीं कुछ मिली, और बाकी तो हमने के टीवी देखते बानी जा सब कोई जानत रही। और ज्योति जी कल्पना जी के गीत गारल बड़ी कौन गीत गाओ तड़ू काहे करे ला राजा हमसे झूठी बतिया, काहे करे ला राजा हमसे झूठी बतिया, और ये झूठी बात में जो मीठा प्यार बटे ओकर आनंद ले जा। मनोज भैया हाँ आप मोहन भाई के साथ देला और वहाँ उनका जगह बैठल रहना तो हमारी जगह बैठी जा। धन्यवाद धन्यवाद। काहे करे ला राजा, काहे करे ला, काहे करे ला राजा हमसे झूठी बतिया, काहे करे ला राजा हमसे झूठी बतिया, हमसे झूठी बतिया राजा हमसे झूठी बतिया, हमसे झूठी बतिया राजा हमसे झूठी बतिया, काहे करे ला राजा हमसे झूठी बतिया, काहे करे ला राजा हमसे झूठी बतिया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करी जा। और हम समझे तनी कि आप लोग अपन नंबर दे चुकल बनी जा। लाल भाई आप कुछ बोली हमारे ज्योति साहब के बारे में। जी ज्योति के टोनल क्वालिटी के तो एकदम जवाब नहीं है, बहुत अच्छी आवाज है रियली। और भोजपुरी में कुछ अलग टाइप के आवाज के भी जरूरत है, तो वो हिसाब से ज्योति की आवाज बहुत अच्छा लगल। कुल मिला के ज्योति के हमारे तरफ से 35 मार्क्स। थैंक यू सर। हम चाहब कि आज कल्पना जी के कुछ बोले के चाहिए। बस एक मुझे ये है शिकायत है आपसे कि इस पे आप बीच में आलाप में और बहुत कुछ ला सकते थे और अंदाज आप दिखा सकते थे, थोड़ा सा आप टेम्पो में भागे। मुझे ऐसा लगता है कि और ठहराव के साथ और अदायगी के साथ इसको आप गा सकते थे। बाकी फिर भी बहुत अच्छा निभाया आपने, बहुत अच्छा। मालिनी जी जितना था परफेक्ट था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। चल के अपने सीट पे बैठ जा ज्योति, तो के बहुत बहुत शुभकामना तुहार मम्मी और तुहार भैया भी आज तुहार परफॉर्मेंस देख रहे बड़े। मनोज जी ज्योति के गाने से पहले एक चर्चा चल रही थी जहाँ बता रहे थे अपने संघर्ष के दिनों के बारे में कि कैसे 4 बरस तक आप टी सीरीज के दरवाजे तक लौट लौट आए। असल में कुछ बात ऐसा होला ना मालिनी जी की कल्पना जी उनर आंसू बहा देला। अगर हम 4 साल की अपन यात्रा अगर कुछ भी होकर टच करी तो हम बड़ी रोई ना, जब जब रोए के होला हमरा ना तो हम उहे याद करी ना। हम वास्तव में बहुत संघर्ष के लिए बनी। जब हम पहला बेर गैली टी सीरीज में तो हमरा कहल गई रहे कि भोजपुरी गायबल बड़ा धोती कुर्ता पहन ल, तो हम तो पैंट शर्ट में रहनी, तो
लेकिन हमार मन कहे कि नहीं, पैंट शर्ट पहन के भी भोजपुरी गाना गावल जा सकेला, पूर्वी छपरैया जाने लो। तो फिर मन कहे कि नहीं, पूर्वी छपरैया तो जानल जरूरी बा, लेकिन इहो जरूरी बा कि एगो नया अंग के शुरुआत कइल जा, जो दुनिया के संगे ताल में ताल मिलावल जाए। और 4 साल के सफर में ना वो दिन हम नहीं भुला सकीला जब हमार कैसेट निकल रहे, हमके कोई बतावल दुकान पे गईली, दुकानिया वाला कहलस कि 20 गो ले आई रही, खत्म हो गई, कहाँ कर तुहार 20 गो ले आई रही, खत्म हो गई गीत। लेकिन हमके नहीं मालूम रहे कि वो एगो कैसेट जना में हम गाना गौले रहनी कि निमिया के डाढ़ मैया हमरा के कहाँ से कहाँ ले जाई। जवन खुशी वो पहला कैसेट के रैपर देखे के रहे, जना पे वो चिड़ई नियन फोटो रहे, वो खुशी हमरा कोनो दूसरा कैसेट में नहीं भइल। आज खुशी बाटी के रहुआ हमसे पूछा तनी कि हम कैसे जिंगा खड़ा बानी, तो सारा चीज फ्लैश बैक होके जा रहा बटे। एकरा के रहुआ पूछ देनी ना, इतना में समझनी कि हम जी रहा बानी। मनोज जी वो अलग देवी गीत सुनाएंगे जो भी आपने आपके पहले कैसेट का गाना। ककरी का पेड़ नरम भतिया हो, नरम भतिया देवी तोड़ती नाही सुनोरी सखिया। ककरी का पेड़ नरम भतिया ओ नरम भतिया देवी तोड़ती न नाही सुनोरी सखिया। अरे झंझर झाड़ी में केड़ुआ भरवनी सुनोरी सखिया देवी पियती न नाही सुनोरी सखिया देवी छुवती न नाही सुनोरी सखिया। देवी मैया के न जाने कितनी गीत, न जाने कितनी भाव, ओह गीत में ओह भाव में समाहित बाटे। जब जब हमनी ओकरा के छुअल जाई तो एगो ओह तालाब में ओह दरिया में जाइल जी जौन पहाड़ के नीचे बाटे। मालिनी जी हमरा के ढेर मत छेड़ी, दीवाना बना दे। और हमनी के आज के महफिल में ये डिसाइड होखे वाला बाटे कि आज भंवर में के फंसी, केकर चक्का सुर संग्राम के युद्ध भूमि में धसी। और अब हम बुला रहल बनी बिहार के ज्योति साहू के जवाब में उत्तर प्रदेश के अनामिका सिंह के जोरदार ताली से स्वागत करें। अनामिका तू कौन गीत आज लेके आ रहल बड़ू कल्पना जी के? हुक उठे मनवा में। हुक उठे मनवा में, और आप कहाँ जाते हैं? कहाँ नहीं, कहाँ जाए? वही। अच्छा वहाँ हम गोनू गुना के है का? आपके जैसा आदेश। जा
मालिनी जी का कहब आप जी नंबर देवी प्रसाद मनी कल्पना जी आप दे चुके बनी नंबर सुर सुंदर तन मन सुंदर सुर सुंदर तन मन सुंदर तू सादगी के मूरत बाड़ू संगीत के खूबसूरती बा तोहरा में तू बड़ी खूबसूरत बाड़ू जब एक नारी के एक नारी सुंदरता के बखान करे तब पुरुष करी तो का करी ये लाल सिन्हा जी बता सके रहे ये गाना जब हम सुन रहे थे हाँ। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कैसेट बज रहा हो वाकई में लेकिन हम एक बात कहे के चाहब कि मेरे हिसाब से अगर ये एक दो सुर अगर ऊंचा होता ये गाना तो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा निकल करके आता क्योंकि एक दो सुर कम लग रहा था स्केल अच्छा तब तो जवन बात तो नहीं रही फिर भी हमारे तरफ से कुल 36 अंक 36 36 नंबर बहुत बड़ा नंबर होला और मालिनी जी कुछ रवा कहल चाहत बनी हम जनल चाहत नहीं आज आपके जोन गाना रहल बस ये समझ लिया कि हम तीनों जन खाली हम लोग डूब करके खाली सुनत रहे कल्पना जी के तो गाना हमें नहीं सुना है लेकिन आपका गाना सुन करके हम लोग बिल्कुल जो बिरहिन का भाव है वहीं पे डूब गई वहीं पहुंच गई बहुत अच्छी और बहुत बहुत धन्यवाद 36 नंबर के संगे जाके अपने कुर्सी पर विराजा खतरा से बाहर बढ़ो अच्छा जे जे दर्शक लोग बैठल बा हमनी के स्टूडियो में बिहार के आन और यूपी के शान तो आप लोग तो मुंबई में बानी जा आप लोग के भोजपुरी आवेला हैं एक मिनट थोड़ा सा परीक्षा लेवे के मन करत हटे ठीक आपके भोजपुरी आवेला आप जानते नहीं भोजपुरी थोड़ा थोड़ा हमें खाना खाने का मन कर रहा है खाना भाई उड़ा के ले रहा आप नहीं 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 बोल सक रहे आपके भोजपुरी आवेला हैं बनारस बिहार के भी आवेला हमरा के बोले के कुल कुल जगह के आवेला नहीं दो जगह के आवेला हमरा के बोले के आप कुछ हां कुछ ही रहूंगा तब ये तो बड़ा बढ़िया भोजपुरी बोलते रे भाई भोजपुरी अच्छा आपको आप क्या आवेला हम तो आपको बचपन से फैन है बचपन से देखो यार बचपन से फैन कैसे हो सकले यार हमने एक उम्र के बानी है कैसे बचपन से फैन ये कहा कि 10-12 साल से बड़ा मतलब गावे शुरू करने आपको पहला दूसरा एल्बम आए हम तो आपको फोटो रख के पूजा भी कर ले घर में अरे बाप बढ़ता बढ़ जाता तो भी भक्त भगवान के बचपन से मत बोला खाली ठीक ना थोड़ा बता अवेला जैसे कि हम तोरा से बहुत प्रेम करी लिए अरे बाप रे बाप ये तो जोरदार ताली से स्वागत करे यार हमने के बड़ा दर्शक लोग में देखी बड़ी खास बात बटे कि ये तो वही बात होना कि हम तोहरा बिन जीना सकीले सबकर हम अपने स्टूडियो में बहुत स्वागत करतनी आप लोग बिहार के आन और यूपी के शान भर के बैठल बनी जा हम सब लोग मिलकर आपका स्वागत करतनी जा मनोज तिवारी के आलोक कुमार खातिन आवाज बाटे जोरदार तले स्वागत करी आप यहाँ उपस्थित हो जाए आलोक कुमार लखीसराय बिहार के रहे वाले लाल भाई हमर गावल गीत और रवे संगीतबद्ध कैल गीत गावे जा रहल बड़े ससुरा बड़ा पैसा वाला के हटा 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 तनी बच के करेंट मारे ली बैक मारे ली रवा आप भी साथ दीजिएगा हैं हम भी साथ देंगे हाँ हाँ आपको भी साथ देना हमको अच्छा तब जैसे मोहन भाई को दिली तो भोजपुरी में बोला तब ना हम साथ दे हम भोजपुरी में जब बोला ओकर साथ दी ना रउआ लोग भी साथ नहीं हमरा रउआ लोग हम बहुवचन हैं रउआ भी साथ नहीं हमरा रउआ भी हम रउआ से प्रार्थना करतनी कि हम रौरे गीत सुनब आ रौरो गीत पर नाचब
आग में दम कर डाले, फूल खोसे ले बदन पे सेंट मारे ले, फूल खोसे ले बदन पे सेंट मारे ले, इले की ही आए वोल्टेज वाले करे जी, करेंट लगत का हो ये कुछ लगल है करेंट है आई वीडियोस के ना। हाँ ठीक बोला था वीडियोस के। लाल सिन्हा जी, आपके आलोक जी के बारे में दो शब्द चाहता नहीं। मतलब हमारे हिसाब से आलोक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक उभरता सितारा है, नो डाउट। और जो गाने में एनर्जी रहे, कमाल के एनर्जी, सुर भी परफेक्ट, ताल भी परफेक्ट, परफॉर्मेंस तो कहना ही नहीं है। तो हमारे हिसाब से आलोक के कुल मार्क है 38। बहुत बेजोड़ लगल और करंट पहुंचल, हम लोगन तक पहुंचल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस गीत में जैसे आपका आवाज़ और निखर के आ सकता था, मुझे पता नहीं, आवाज़ आपके आवाज़ की क्वालिटी और ये गीत दोनों में मुझे थोड़ा सा तैली नहीं हुआ। बिहार के टीम से सबसे ज्यादा नंबर लेके आलोक बिहार के टीम में सर्वश्रेष्ठ बाड़े, जबकि आज फिर से मोहन राठौर उत्तर प्रदेश के झंडा ऊपर करके रखले बाड़ा। हालांकि टोटल जोड़ल जाई तो आज बिहार के टोटल मार्क्स उत्तर प्रदेश के टोटल मार्क्स से ढेर बाटे, लेकिन एगो गाजीपुर के लड़का अपने उत्तर प्रदेश के सितारा बुलंद के लिए बाटे और देखे कि भाई घमासान में के जीते। आलोक भाई जाके अपने सीट पे बैठ जा। मचल बाटे भोजपुरी संगीत के महासंग्राम, आज एक बार फिर भले उत्तर प्रदेश और बिहार बराबर बराबर पे आ गिल बाटे, लेकिन घमासान यहाँ से फिर शुरू हो रहा बाटे कि केवन प्रदेश बनी भोजपुरी संगीत के सिरमौर, हिंदुस्तान के रियलिटी शो के जिकरा के जनक कहल जाला, जिकरा के पिता कहल जाला रियलिटी शो के, गजेंद्र सिंह भोजपुरी के शो कर रहल बानी। रवा सब कहीं मत जाइब जा, सिर्फ आप लोग के पार्टिसिपेंट पे लगा रहे ध्यान। हम सुर संग्राम, हम गिर जाई, हम पड़ जाई, हमरा चोट निखे लगे वाला, कहें कि हम मान ले बानी कि सारा संसार भोजपुरी संगीत के गद्दा बाटे, एकरा पर कहीं गिरल जाई चोट लगबे नहीं करी। तो एक तो का बाटे करेंट टाइप के समाज अटे, और करेंट मिलता कहीं कल्पना जी से, कहीं मालिनी भाभी से, और कहीं कहीं आप लोगों के प्रेम देख के जो आजकल गाँव गाँव घर घर नगर नगर से हमनी के सुर संग्राम के मिल रहा बाटे। अब हम बुला रहा बनी ओह पार्टिसिपेंट के जेकर नाव सुन के ही करंट लग जाइए आप लोगन की। ओकरा के देखी, ओकर ड्रेस मत देखी, ओकर गाना सुनी, ओ गाना के शब्द मत देखी। जोरदार ताली से स्वागत करी गोरखपुर के सुनामी विजेता गोस्वामी। का हाल चाल बा? सब सही बा। सब सही बा? सब सही बा। परफेक्ट? हाँ परफेक्ट। और आज करेंट मारे ली के जवाब तोहरा देवे के बा। अगर वो कही करेंट मारे ली तो तू का कहबू? अपन गाना से हम उनके बताएं, अभी नहीं कुछ बताएं। ओके गाना
स्टार्ट। जोने में न जाने कल्पना के गीत में कितनी गौना के डोली में बैठे के इंतजार में लड़किन के भाव पूरा भोजपुरी संसार के झुमा दहलस। ओह गीत के गा के विजेता गोस्वामी लाल सिन्हा जी के सामने बाड़ी। मुझे गाना बहुत अच्छा लगा बट मेरे हिसाब से थोड़ा अंतरा के कंपोजिशन चेंज कर दे ले रही रुआ, तो थोड़ा सा वो थोड़ा ध्यान देवे के जाएगा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम भाई सुरसाग्राम। एनीवे हमार तरफ से कुल 30 अंक। हमनी के आज इनके 30 नंबर के संगे अचानक विजेता आलोक जी संगे और ज्योति साहू संगे एक बार फिर से भंवर जाल में फंस गिल बाड़ी। 30 विजेता के, 31 आलोक पांडे जी के और 35 ज्योति साहू जी के लीला के बावजूद आज इनका जाए के पड़ी भंवर जाल में कल्पना जी। विजेता के संगे संगे हम ज्योति के चाहब के मंच पे आ जा और आलोक भी आप मंच पे आ जाए। कल्पना जी अपनी सीट पे बैठ जाए। आज हमरे संगे 3 लोग मंच पे उलो खड़ा बाटे जी। आज हमनी के अतिथि जज लाल सिन्हा जी के नंबर के अनुसार आज इ लोग भंवर जाल में फंस चुकल बा।
ई लोग अगला एपिसोड में मालिनी जी के और कल्पना जी के नंबर के बावजूद का ई लोग चक्रव्यूह में रही, का ई लोगन में से ही एक कोई अगला एपिसोड में हमनी के साथ छोड़ के चल जाई, इस सारा सवाल हमनी के ऊपर उठ रहल बटे। और अब हम सबके ढाड़स बंधा के कि ज्योति विजेता और आलोक, अब तो देखा जा, अब तो हर दिन एक आश्चर्य हुई जे भी जाई भंवर जाल में। कल्पना जी, हम चाहब कि तीनों लोगन खातिर आप कुछ जरूर कहीं ताकि लोग के एक हफ्ता अच्छा से बीत सके। ये बस महज आज की बात है, आज अब तीनों खड़े हो, आज के परफॉर्मेंस के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि ये जीवन मरण की सवाल है, ये एक सुर संग्राम सिर्फ एक आपके कैरियर के 5% होना चाहिए। आपको अब लोगों को बहुत आगे जाना है। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कहूंगी, ये कार्यक्रम और आपके अगले हफ्ते का प्रदर्शन आपकी जिंदगी बना सकता है, ये मान करके आप गाइए। ये 5% नहीं, ये 100% है आपका। आपको भी नहीं पता कि आपको ये अगला एपिसोड जो आप गाने वाले हैं वहाँ पे प्रदर्शन आपको शायद किस ऊंचाई पे ले जाए, शायद यही आपका मौका हो। गाना तो है ही नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ, गाना तो है, गाने में 100% देना है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिप्रेशन में जाके परफॉर्मेंस खराब हो वो नहीं करना है। वो 5% है डिप्रेशन जो है, वो 5% उसको सोच के आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाए और 100% की जगह 95% करो, ये मैं नहीं चाहती हूँ। राजा बिस्किट सुर संग्राम के एक ही चाह बटे कि आप लोग अपन 100% दही जा और उहे 100% आप लोगन के तखत दिला सकेला, आप लोगन के अपने प्रदेश के सिरमौर बना सकेला और आप लोगन के 25 लाख रुपया के मालिक बना सकेला। इसे जरा भी नहीं सोची को। आज के कार्यक्रम में हम अपने ओह गीत के याद करो, जीवन में पहला गीत रहे हमार, पहला लोकगीत हमार रहे जब हम कलकत्ता के एक भवानीपुर के प्रसाद स्टूडियो में गौले रहनी, और वो गीत आ तो हम लोगन खातिर हम गावतनी आज। और पहला गीत रहे कि छोट भाई के मेहरारू गगरी में पानी लेके आवत दिया और दुआरी पर भसुर खड़ा बाड़े और भसुर जी कान से तनी कम सुनत रहने, बहिर रहने, तो अब मेहरारू उनके कैसे हटावे, ओकरे मन में का बाटे, ओकर भाव रहे। अरे हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पर ठाड़ हुआ, सोचतिया अरे लागता बीमार बा, लागता बीमार बा, लागता बीमार बा, आहटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पिठाड़ बा, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पिठाड़ बा, लागता बीमार 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 बा, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पिठाड़ बा, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पिठा, अरे ताकता बनेरा देने छेकी के दुआरी, मुड़िया दुखात बा गगरिया बभारी, ऊपर ले धनिया ओही दिल भूखल सोमार बा, ऊपर ले धनिया ओही दिल भूखल सोमार बा, भूखल सोमार बा, अरे ना तो दोस्त भसुर जी के ना भव बेकार बा, आधा कहली पूरा बुझी सभे समझदार बा, सोचेला मनोजवा कैसा नियम व्यवहार बा, सोचेले मनोज कैसा नियम व्यवहार बा, नीको बा बेकार बा, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पिठाड़ बा, सुर संग्राम में आज ही बयार बा, कल्पना के मालिनी के ला
त्योहार बा लाल के बहार बा हटत नहीं के भसूरा दुवरिये पे ठार बा अपने अपने भसूर के इज्जत बचौले रही जा अपने अपने रीत रिवाज के कायम कैले रही जा राजा बिस्किट सुर संग्राम में जवन संग्राम हो रहा बा जवन घमासान हो रहा बा एकरा पर नजर लगौले रही जा अगला दिन अगला एपिसोड में आप लोगन से फिर मुलाकात हुई और तब देखल जाइए भंवर में फसल लोगन के का स्थिति बाटे तब तक हम आप लोग के सलाम करब संग्राम में और इहे कहब भौजी के संगे आज देवरा हो खाड़बा भौजी के संगे आज देवरा हो खाड़बा देवरा हो खाड़बा भोजपुरी गीत में दुनिया हमार बा भोजपुरी संग्राम अब ता हमार बा हटत नहीं के भसूरा दुवरिये पिठार